और कीव की घेराबंदी के लिए रूस ने अपनी लड़ाई और ज्यादा तेज कर दी है। रूस ने पहली बार अपने 9000 सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए बेलारूस भेज दिया है। रूस के सैनिक बेलारूस ऐसे समय में पहुंचे हैं जब रूस धमकी दे चुका है कि वो बेलारूस के जंगी जहाजों को परमाणु हथियारों से लैस करेगा। यानी साफ है कि अब रूस अपने मकसद के लिए बेलारूस को युद्ध में धकेलने की तैयारी में लग गया। बेलारूस के रास्ते कीव में आएगी तबाही। बेलारूस पहुंचे रूस के 9000 लड़ाके। यूक्रेन पर अब बेलारूस से बरसेगा बम। यूक्रेन ने भीषण तबाही देखी, अपने शहरों में बेहिसाब बर्बादी देखी, लेकिन उनके सैनिक डटे। रूस की सेना के हर वार पर पलटवार, कई इलाकों में तो रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पुतिन ने भी प्रण लिया हुआ है कि वो यूक्रेन को हर हाल में घुटनों पर लाकर मारे। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि रूस में 3 लाख रिजर्व फोर्स के गठन का ऐलान हुआ। अब जब रूस ने अपने रिजर्व फोर्स करीब करीब तैयार कर लिए हैं, तो यूक्रेन को परास्त करने के लिए नई चाल चल दी है। पहली बार बेलारूस से यूक्रेन पर आक्रमण की योजना सामने आई है। रूस के 9000 सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि सैनिकों की ये महज पहली किश्त भर है। अभी और लड़ाके बेलारूस में इकट्ठा होंगे। रूस के सैनिक जैसे ही बेलारूस पहुंचे, रूस की तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया। कहा गया, अब यूक्रेन पर बेलारूस से हमले की योजना है। इसमें बेलारूस से यूक्रेन पर हवाई हमले भी होंगे। यानी साफ है कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए नई योजना को जमीन पर उतारने का खूंखार प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन पर दो तरफ से हमले की योजना है। पूर्वी हिस्से में पहले से यूक्रेन और रूस की सेना के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। अब उत्तरी इलाके से कीव को घेरने की तैयारी। बेलारूस से यूक्रेन पर हमले की तैयारी इसी योजना का हिस्सा है। बेलारूस की सीमा यूक्रेन के शहरों से बेहद लगी हुई है। बेलारूस के शहरों से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर भर की है। यहाँ से कीव को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ऐसे भी रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो बेलारूस के जंगी जहाजों को एटमी बम से लैस करेगा। यानी बेलारूस से कीव सीधे सीधे निशाने पर आ जाएगा। उधर बेलारूस के एक मंत्री ने अपने बयान में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है, लड़ाई के लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार है। इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो अपनी जमीन रूस को सैन्य इस्तेमाल के लिए देंगे। यानी यूक्रेन पर चढ़ाई के लिए बेलारूस रूस के साथ कदम ताल कर रहा है, जो बड़े विनाश की तरफ इशारा कर रही है। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, यूक्रेन और रूस की सेना दोनों आक्रामक होती जा रही है, जो बड़े तबाही को हवा दे रही है।